अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। आज मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र के सोतीगंज मछेरान में लाल कुर्ती आदि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बसपा प्रत्याशी अमित शर्मा ने जनसंपर्क किया। आज उनके साथ पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे हाजी इमरान भी खुलकर साथ आ गए हैं। उन्होंने भी अमित शर्मा के समर्थन में प्रचार किया। यहां उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को भी संबोधित किया। यह नजारा रहा आज अमित शर्मा के पक्ष में। आज सारी वोट आपकी वोट मेरे पास आते ही आपको और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। आप लोग निश्चित होकर अपने दिमाग को और दिल को आप लोग जगवाती हैं। आप लोग प्यार करते हैं, देश प्यार करते हैं। आप जान भी दे सकते हैं, आप किसी को प्यार करने के साथ साथ सम्मान देने के साथ साथ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस बार आप अपने दिमाग और दिल से सोचना, आप जगबाजी मत करना। आप ये देखना कि कौन भारतीय जनता पार्टी में हरा रहा है। आपका बेटा आपका भाई आएंगे, मगर जब इलेक्शन आ जाता है तो हम जज्बात में आ जाते हैं। दिल और दिमाग से फैसला नहीं करते, जज्बात में आकर अपनी वोट का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है, क्योंकि दलित समाज का इस विधानसभा के अंदर 90,000 वोट है और मुस्लिम समाज का 60,000 वोट है और ब्राह्मण समाज का 65,000 वोट है। ये सब लोग समाज इकट्ठा होकर के वोट डाल देंगे। ब्राह्मण समाज अमित शर्मा जी के साथ है, मुस्लिम समाज और दलित समाज इकट्ठा होकर के इंशाल्लाह वोट डाल देंगे। तो इस मेरठ के इन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की 10 तारीख को इंशाल्लाह जमाना जब्त कराने का काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट पार्ट.tv। नमस्कार।